मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर के अंदर मेनली थ्री पार्ट थे, तो जो तीन पार्ट थे उसके अंदर हमने जो मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, टोटल स्टेशन है, EDM है या फिर ड्रोन है, UAV है, वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं एडवांस सर्वेइंग के अंदर, वो उसको हमने वन बाय वन देखा था। तो ये जो चैप्टर है उसके मेन जो है वो तीन डिवीज़न है। तो जो सेकंड डिवीज़न था उसके अंदर हमने टोटल स्टेशन के बारे में इन डिटेल देखा था और उसके सब टाइप क्या है टोटल स्टेशन के, वो भी हमने देखे थे। फिर जो लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का, उसके अंदर जो है वो हमने GNSS देखा था, GNSS देखा था, फिर ड्रोन, UAV देखे थे, गूगल टेंगो प्रोजेक्ट देखा था, डिजिटल लेवलिंग मशीन देखा था, GPS देखा था, हैंडी स्कैनर देखा था, मोशन ट्रैकिंग इक्विपमेंट देखे थे। तो वन बाय वन जो है हम उसका रिविज़न करते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस हमें मेज़र करना है तो उसके लिए मेन तीन टाइप है, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि हम मेज़र टेप से जो डिस्टेंस डायरेक्टली मेज़र करते हैं वो है। सेकंड जो मेथड है वो ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि हम ऑप्टिक्स का यूज़ करके यानी कि टेकोमीटर है या थियोडोलाइट है उसका यूज़ करके कोई मेजरमेंट करते हैं, तो वो है ऑप्टिक डिस्टेंस मेजरमेंट। थर्ड जो पोर्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि अगर हम कोई माइक्रोवेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करके, लेज़र का यूज़ करके, रिफ्लेक्शन की मदद से जो वो टाइम होता है उसका जो ड्यूरेशन है उसकी मदद से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारी, डिजिटल सिस्टम, उसका यूज़ करके कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो हमारा होगा थर्ड पार्ट। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि हम कैसे इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव और विजिबल लाइट का यूज़ करके EDM के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है उसके अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो हमने देखा था कि मैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक जो वेव्स है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो EDM है उसका कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अंदर मेन तीन टाइप होते हैं, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रारेड वेव इंस्ट्रूमेंट एंड लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड जो है वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो यूज़ करते हैं, और जो हम लेज़र है जो विजिबल लाइट के अंदर आते हैं यानी कि लाइट वेव इंस्ट्रूमेंट है, वो EDM के अंदर मेन तीन टाइप है। फिर हमने EDM का जो इक्विपमेंट थे वो देखे थे, टेलरोमीटर है, डिस्टोमेट है एंड जियोडीमीटर है। फिर हमने सेकंड पार्ट के अंदर टोटल स्टेशन देखा था, उसके जो मेन कंपोनेंट है वो हमने देखे थे। टोटल स्टेशन है तो उसके अंदर मेन तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो डिजिटली मेजर करता है, फिर है EDM इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि लेज़र की मदद से जो हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो, और ये जो सारा डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर एनालाइज होता है। फिर जो सारा का सारा डेटा है यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है जो टोटल स्टेशन के अंदर हमें मिलते हैं वो स्टोरेज करने के लिए इंटरनल मेमोरी होती है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि मेमोरी कार्ड की मदद से भी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने टोटल स्टेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे टाइप ऑफ टोटल स्टेशन, उसमें फर्स्ट था सर्वो ड्रिवन टोटल स्टेशन, उसके अंदर मोटराइज होता है तो टोटल स्टेशन मोटर की मदद से रोटेट कर सकता है। फिर ऑटो ट्रैकिंग टोटल स्टेशन था जो हमारा प्रिज्म होता है उसको ट्रैक करता है, तो हमें मैन्युअली जो है हमें टोटल स्टेशन को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है रोबोटिक टोटल स्टेशन, तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई एक ऑपरेटर भी उस टोटल स्टेशन को ऑपरेट कर सकता है, तो हमारा जो प्रिज्म होता है 360 डिग्री वाला प्रिज्म उसके साथ ही एक रिमोट होता है, तो उसके ऊपर से भी हम डायरेक्टली जो है वो रीडिंग ले सकते हैं, तो हमें टोटल स्टेशन के ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर है स्मार्ट टोटल स्टेशन, तो वो GPS बेस्ड होता है, तो स्मार्ट टोटल स्टेशन के अंदर जो टोटल स्टेशन का खुद का जो इक्विपमेंट है उसका भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो वहाँ पे कैप्चर हो जाता है। फिर वॉइड स्कैनर है, तो वो एक साथ मल्टीपल लेज़र है उसको ट्रांसमिट करके फिर रिसीव करके जो है वो वॉइड स्कैनर वर्क करता है, तो अगर आपको कोई माइन का सर्वे करना है या फिर बड़ा सा 3D मैप बनाना है तो वो आप उसके लिए वॉइड स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा था ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS। GNSS सिस्टम है वो प्योरली जो है वो सैटेलाइट बेस्ड है, तो आप कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर के जो GPS कोऑर्डिनेट है वो सैटेलाइट की मदद से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद था डिजिटल लेवल, तो जो हम लेवलिंग करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा स्टाफ होता है वो बारकोड स्टाफ होता है, तो ऑटोमेटिकली आप डिजिटली जो है वो उसके हाइट है स्टाफ की वो आप कैप्चर कर सकते हैं और जो लैंड है उसका इजीली लेवलिंग कर सकते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट है इसको हम डिजिटल लेवल बोलते हैं।
उसके बाद एरियल सर्वे के अंदर हमारा जो मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर सैटेलाइट एंड प्राइवेट सैटेलाइट देखा था। उसके बाद है ड्रोन एंड यूएवी जो हमने फिफ्थ चैप्टर के अंदर देखा था एरियल फोटोग्रामेट्री के अंदर। फिर है जीपीएस, उसका भी यूज़ आप कोई एरिया मेज़र करना है या फिर कोई वॉल्यूम निकालना है तो आप जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट के अंदर 3D स्कैनर, लेज़र स्कैनर देखा था, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे सामने उसको भी हम इजीली 3D स्कैनर की मदद से स्कैन कर सकते हैं। फिर हमने हैंडहेल्ड जो स्कैनर है वो भी देखा था, कि जिसको हम हाथ में पकड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 3D में स्कैन कर सकते हैं। फिर हमने मोशन कैप्चरिंग डॉट भी देखे थे, जिसका उपयोग हम सर्वेइंग के अंदर कर सकते हैं। मीन मोस्टली ये जो मोशन कैप्चरिंग डॉट्स है वो मूवी मेकिंग के अंदर ही यूज़ होते हैं। फिर हमने गूगल टेंगो का जो प्रोजेक्ट है वो हमने देखा था, कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करके कोई भी 3D ज्योमेट्री है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। तो ये जो है वो लेटेस्ट हमारे मॉडर्न सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट थे वो थे। अब हम देखते हैं जो हमारा असाइनमेंट है इस चैप्टर के रिलेटेड, ताकि आप उस असाइनमेंट को अगर सॉल्व करना चाहें तो ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम असाइनमेंट देखते हैं।